जयपुर एयरपोर्ट से खबर है, बड़ी खबर का रुख करते हैं। शारजाह से जयपुर आई एयर अरबिया की फ्लाइट में यात्री के पास मिला 1114 ग्राम सोना। कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। करीब 70 लाख रुपए सोने की कीमत आंकी गई है। जूते और इनर वेयर में ये गोल्ड छुपाया हुआ था और अब इसको लेकर पूछताछ होगी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कस्टम विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एयर अरबिया की फ्लाइट में यात्री के पास से 1114 ग्राम सोना मिला है। कस्टम विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है, आरोपी को गिरफ्तार किया है। करीब 70 लाख रुपए सोने की कीमत आंकी गई है। जूते और इनर वेयर में गोल्ड छुपाया हुआ था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई, जहां यात्री के पास से सोना मिला है और इस सोने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपी को किया गया है। कहां से ये सोना ला रहा था, कैसे, वो तमाम जो सवाल हैं उन पर पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी, क्योंकि जूते और इनरवेयर में ये गोल्ड छुपाया हुआ था। क्या ये यात्री या ये जो आरोपी है वो इससे पहले भी इस तरह से सोना जो है अलग अलग तरीके से लाता रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि जिस तरह से लगातार कस्टम विभाग एक्टिव है, ऐसे में कई ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है। और अरविंद हमारे साथ सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर एयरपोर्ट पर आज दूसरी बड़ी जो कार्रवाई है हुई है। कल देर रात को एक बड़ी कार्रवाई हुई जिसका खुलासा आज जयपुर पुलिस ने किया, और अब जो है कस्टम डिपार्टमेंट की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर करीब 70 लाख रुपए का जो सोना है वो यहां पर बरामद किया गया है। 1114 ग्राम वजन यानी 1 किलो से भी ज्यादा जो गोल्ड है वो यहाँ पर मिला है। ये जो यात्री था ये शारजाह से जयपुर पहुंचा था और एयर अरबिया की फ्लाइट से यहाँ पर पहुंचा, और जब फ्लाइट से जब बाहर निकला तो ऐसे में कस्टम विभाग की ओर से अपने जो सोर्सेज थे उनके माध्यम से भी सूचना थी कि इस फ्लाइट के अंदर कोई व्यक्ति है वो गोल्ड लेकर के आ रहा था। ऐसे स्थिति में जब जांच की गई और जो व्यक्ति था वो जब सस्पेक्ट लगा तो उसके बाद में उसकी सघनता से जांच की गई तो उसके जो शूज थे और उसके इनरवियर जो थे वहां पर जो गोल्ड है वो पेस्ट के रूप में मिला, यानी जो गोल्ड था वो लिक्विड फॉर्म में वहां पर मिला। और इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को जो एक्यूज है उसको वहां पर गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो सोना कहां से लाया और यहां पर किसे सप्लाई करने वाला था। क्योंकि देखिए गोल्ड की स्मगलिंग जो है उसको लेकर के लगातार कस्टम विभाग है वो यहां पर कार्रवाई करता है, और बीते यदि 24 घंटे की बात करें तो करीब 3 किलो से भी ज्यादा जो गोल्ड है वो यहां पर मिल चुका है, यानी 2 करोड़ 20 लाख के आसपास का जो गोल्ड है वो यहां पर जयपुर पुलिस और कस्टम विभाग दोनों ने बरामद किया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है वो यहां पर निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ेगी तो उसको देखते हुए भी जो जयपुर पुलिस है वो यहाँ एक्टिव है, कस्टम विभाग है वो एक्टिव होता है, हर एक जहां जहां भी जिन राज्यों में चुनाव होता है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की जो स्मगलिंग होती है उसको लेकर के अलग से ऑपरेशन है वो यहाँ पर रन किए जाते हैं, उसी के तहत एक जो बड़ी कार्रवाई है वो यहाँ पर हुई है। जी ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।